नमस्कार, मैं दक्षा सुलेख खबर 24 के साथ। आइए आपको बताते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं झलावाड़ से। झलावाड़ जिले के डक कस्बे के डक बुहानी मंडी रोड पर भैरू महाराज मंदिर के पास श्री राम कृषि सेवा केंद्र पर नकली खाद की शिकायत को लेकर स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई। ग्राम तिहारी के कृषक गप सिंह पिता देवी सिंह ने बताया कि उन्होंने 23 जून गुरुवार को डक स्थित श्री राम कृषि सेवा केंद्र से 5 बैग DAP के लिए थे, जिस पर स्पोक ब्रांड की छाप लगी हुई थी। कृषक के द्वारा उस खाद को आज खेत में डालने पर वह नकली होने का उसे अंदाशा हुआ। तत्पश्चात कृषक ने इस सूचना को डक पुलिस व कृषि विभाग के अधिकारी को दी। स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी लेखराज गुजर व कृषि परिषद सुमेर सिंह द्वारा तत्काल इसके सूचना राजेश विजय सहायक निर्देशक कृषि विभाग भवानी मंडी को दूरभाष पर दी गई, जिस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए श्री राम कृषि सेवा केंद्र से 50 बैग DAP तथा 50 बैग पोटाश के नकली पाए गए तथा जांच के दौरान कई प्रकार के नकली बीज व अवधि पार कृषि दवाएँ भी मिली। सहायता निर्देशक राजेश विजय कृषि विभाग वाहनी मंडी द्वारा उक्त फार्म से कुल 5 नमूना लेकर राज्य उर्वरक गुण नियंत्रक परिषद प्रयोगशाला में भेजे गए। सहायक निर्देशक राजेश विजय ने बताया कि संपूर्ण जांच आने के बाद ही संबंधित फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी लेखराज गुजर, कृषि परिषद सुमेर सिंह, हिमांशु गोयल, राजेश सैनी, कन्हैया लाल वर्मा उपस्थित रहे। विगत क्या है कि 2-3 दिन से पूरे इस क्षेत्र में नकली या जैविक खाद बिकने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में गए शनिवार रविवार को भी हमने चौमेला में कार्रवाई की और जब्ती करी, और उसके बाद आज कल यहाँ पे क्या है कि ये किसान जो है यहाँ पे ग्राम तिसाई के कृषक है गप सिंह जी, इन्होंने कल यहाँ से 5 बैग DAP लिया। जब DAP लेने के बाद इन्होंने कल आज खेत पर डाला तो इनको नकली प्रतीत हुआ। अच्छा, जिन्होंने इस जो दुकान लिया श्री राम कृषि सेवा केंद्र, बिल्कुल ये लाइसेंस शुदा शॉप है, लेकिन इसके द्वारा वो अभी पूछताछ करी तो इसने स्वास्थ्य से माल मंगाना बताया। जब किसान ने आज खेत में माल डाला तो उसको नकली प्रतीत हुआ, तो उसने इस संदर्भ में कृषि विभाग और पुलिस विभाग को सूचना दी। कृषि विभाग के श्री सुमेर सिंह जी और लेखराज जी द्वारा मुझे भवानी उन्हें सूचना दी कि यहाँ पर लगभग नकली खाद हो सकता है। अब उसके बाद मैं अपने टीम लेके आया तो देखा कि जो इसके माल है, एक तो इफ्को के नाम से है, उत्तम IPL पोटाश 100% पूरा नकली खाद है, और जो दवाइयां हैं यहाँ पे वो भी पूरी एक्सपायर है। उधर कहाँ से माल की सप्लाई हो रही है सर? ये अभी जो ये जो डीलर है, इससे भी मैंने आप लोगों से सामने पूछा, इसने बताया कि स्वासरा से इसने माल लेना बताया। हाँ, स्वासरा मध्य प्रदेश से, अभी से हम बिल वगैरह मंगा रहे हैं। झलावाड़ में 24 जून को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित द्वारा शुक्रवार को जिला कारागृह झलावाड़ में निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला कारागृह स्थित समस्त वार्डों, बेरको, जेल, लंगर का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने महिला व पुरुष बेरक में कैदियों से उनसे अपराधों की जानकारी लेते हुए उनको भविष्य में अपने जीवन सुधारने व अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा जेल में लॉन्ड्री सिस्टम को देखा गया व वहां कार्यरत कैदियों से भी उनके आरोपी की जानकारी ली गई व उनके जीवन शैली को सुधारने की बात कही गई। जिला कलेक्टर ने जेल में कैदियों के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही पाठशाला में कैदियों को दिए जाने वाले शिक्षा के स्तर की भी जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बंदियाल लंगर पहुँचकर बंदियों को खिलाने जा वाले भोजन को भी चखकर उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। उन्होंने जेल में साफ सफाई व वृक्षारोपण की उत्तम स्थिति की सहायता की। जिला कलेक्टर ने बंदियों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को सुना। बंदियों ने नियमित पेशी पढ़ना जाने की समस्या बताई, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जिला पुलिस के अधिकारियों को संवंतः स्थापित कर बंदियों को समय समय पर पेशी पर भिजवाने के निर्देश प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त बंदियों द्वारा मेडिकल कॉलेज में बंदियों के लिए अलग से बेरक नहीं होने की समस्या भी जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज, चिकित्सा अधिकारी पवन मेहरा, कारागृह मोहन लाल मीणा, महामुख्य प्रभारी ओम प्रकाश,
मुख्य प्रहरी लक्ष्मी नारायण ताखर तथा कारागृह का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। झलावाड़ में वन मंडल के अधीन वृहत वृक्षारोपण से संबंधित बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में शुक्रवार को झीण नर्सरी में किया गया। इस दौरान समस्त सरकारी विभागों के वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि हम जितना प्रकृति के पास जाएंगे उतना ही सुकून हमें प्राप्त होगा, साथ ही तनाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित सरकारी विभाग जिसमें चार दीवारी बनी हुई है उसके अंदर उचित स्थान चिन्हित कर एक साथ वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक साथ बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करने से उद्देश्य आम जन को पौधा लगाने व उनके संरक्षण के प्रति प्रेरित करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि मिनी सचिवालय के सभी विभागों द्वारा चिन्हित स्थानों पर गोल दिया जाएगा व वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा व उनका संरक्षण किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने वृक्षारोपण को लेकर सभी विभागों को एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। आज ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल पिड़ावा की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद मेघवाल ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की मंशा के अनुरूप राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष डॉक्टर नंद सिंह राठौड़ के द्वारा तथा कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष रमेश चंद मेघवाल की अनुशंसा पर पिड़ावा जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी झलावाड़ एवं पूर्व चेयरमैन संगीर अहमद उर्फ मुन्ना भाई तथा पार्षद असलम हुसैन व अशोक कुमार शर्मा तथा महासचिव कल्लू पठान, ब्लॉक महासचिव धीरज चौधरी, महेंद्र सिंह बना के द्वारा गोपाल सुमन को कांग्रेस सेवादल सुनील का नगर अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। अनौर थाना उपखंड अधिकारी न्यायालय में शुक्रवार को फुल डे कोर्ट का आयोजन किया गया जिसमें 100 से अधिक राजस्वादों व प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की गई जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा निर्णय पारित किए गए। पीठासीन अधिकारी अभिषेक चारण ने बताया कि गत 2 वर्षों में कोरोना के चलते तथा अन्य कारणों से लंबित चल रहे मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए कलेक्टर भारती दीक्षित के सुझाव अनुसार पर नवचारण कर विशेष न्यायालयों का आयोजन किया गया है। बार एसोसिएशन मनोर थाना के अभिभाषणों ने भी इस फुल डे कोर्ट की सराहना की तथा पूर्व सहयोग प्रदान किया। पीठासीन अधिकारी अभिषेक चारण ने बताया कि इस प्रकार एक दिन के अभिभाषक परिषद में संयोग में लगे इस कोर्ट में 100 से अधिक प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा वर्षों से लंबित चल रहे मामलों का निस्तार किया गया। आगे भी इस फुल डे कोर्ट का नवाचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रति माह विशेष अदालत लगेगी जिससे काश्तकारों में भी शीघ्र व सम्यक न्याय के लिए न्यायालय में विश्वास बढ़ेगा तथा खेतों की लड़ाई में लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। झलावाड़ जिले के खानपुर में व्यापारी से लूट हमला समेत बढ़ते आरोपों के मामलों को लेकर खुलासा नहीं होने पर महाव्यापार संघ खानपुर के द्वारा आह्वान पर व्यापार बंद कराया गया। व्यापार महासचिव अध्यक्ष खंडलवाल ने बताया कि सार्वजनिक धन धर्मशाला परिसर में व्यापार संघ की बैठक आयोजित कर हमलावरों तथा विभिन्न घटनाओं का खुलासा नहीं होने पर व्यापार संघ ने शाम तक कस्बे के बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया। 3 दिन पूर्व आयरन व्यापारी से जानलेवा हमला, फायरिंग, चाकूबाजी तथा 2 लाख से भरा बैग छीन ले गए जिसमें अभी तक पुलिस के द्वारा आरोपियों का कुछ पता नहीं लगाया जा रहा है तथा कस्बे में कल पंचायत समिति परिसर के बदमाश 1.5 लाख रुपये से भरा हुआ बैग ले गए। इसके अलावा बैंक परिसर में कई चोरियों तथा बाजार में होने वाली चोरियों का खुलासा नहीं होने पर व्यापारियों समेत आम जनों में रोष व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलने पर SP मोनिका ने मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर 2-3 दिन पहले हमारे व्यापारी महेश नजानी के साथ जो हमलावरों ने जानलेवा हमला किया उसके विरोध में हमने आज पूरा व्यापार प्रतिष्ठान हमने बंद करवाए हैं और पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं और आज शाम को हमारी 7 बजे दोबारा बैठक है, इसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। गंगधार में देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। घटना की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल रामचंद नागर ने बताया कि मृतक के परिवारजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि हकीम शाह मजदूरी कर सुहासड़ा तिराहे से
घर की ओर लौट रहे थे, तभी गंगधार दग रोड पर वाटर फिल्टर प्लांट के पास अज्ञात वाहन ने हकीम शाह को मोपेड बाइक की टक्कर मार दी, जिससे के चलते हकीम शाह की मौत हो गई। पुलिस ने मार्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। रात को 11:30 बजे ग्रीन की घटना है, जो CSC पे जिसकी डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पर उसके भाई शहीद शाह ने रिपोर्ट पेश की कि रात को मेरा भाई मजदूरी करके लौट रहा था, जो फिल्टर प्लांट गंगधार के सामने उसकी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी कार्रवाई CSC चौमेला में की जा रही है। गंगधार में एक नई पहल की गई है। गंगधार में बंदर का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। मल्हारगंज कस्बे में बंदर की मौत पर कस्बे के युवकों ने बंदर का शव अंतिम यात्रा निकाली व विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। धन्यवाद, फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24, हर कदम आपके साथ, 6 साल बेमिसाल। धन्यवाद। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे, आतुर दे चरा है मामला अब दाको साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे, हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक नीरा बन जारा रे बन जारा रे, जुड़े दे रहा है मामला।